अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ए जी असं वीडियो बना रहे हैं, सारिया तीसरी वीडियो शुरू हो गई है तो एक वीडियो होर बनेगी। ये असी बैटल ऑफ इस्लाम के मुतलका सारी तफसील के नाल जड़ियाँ पढ़िया जा रही हैं, बड़े सवाल आते रहते हैं, इंटरव्यू के भी पूछे जाते हैं, होर भी जोड़े पेपर NTS PPS जिन्हें भी मुकाबले के इम्तिहानात उन्होंने इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस करके असी यह सीरीज शुरू की, पहले दो बना चुके वा, ए जी तीसरी बन रही है तो शुरू करने से बकायदा। लास्ट गजबा तब जो आखिरी गजबा तबूक होया, इसके पिछे असी सारे गजबे पढ़े ने, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन गजबा के जड़ा है क्याम किया, स्टे किया 20 डे। उस तो बाद किन्ने गजबे की किन्नी तादाद हैगी है जी? ये 53 तो रख के 56 से तादाद हैगी, टोटल नंबर ऑफ सीरीज गजबात। और प्रॉफिट वाज द कमांडर इन द एक्सपेंडिशन ऑफ तबूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक जी कमांडर से। उस तो बाद फर्स्ट इस्लामिक नॉन अरबिक जड़ी जंगे मोता हुई है 8 हिजरी दे विच, ये पहली जंग सी जड़ी मुसलमानों ने नॉन मुसलमानों के खिलाफ लड़ी सी। यह बड़ा अहम सवाल जो बड़ा मरतबा आया, जो कि केड़ी जंग का नाँ दसो, उस जंग का नाँ दसो जिदे पहली मरतबा जड़े मुसलमान से नॉन अरब जड़े गैर मुसलमानों ने लड़े सी। अरब तो सच सॉरी नो गैर मुसलमानों तो मुराद ये भी अरब तो बाहर लड़े, इस तो पहले अरब के लड़ाइया चलदी ने आपस के, यह पहली जंग सी जंगे मौता जी बाहर लड़ी गई सी। द परसन किल्ड बाय द उस आदमी का नाम दसो जिन्हें जिन्हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतल किया सी। उबैया बिन का कलफ इन बैटल ऑफ ओहद द टीथ ऑफ होली प्रॉफिट वर मर्टर्ड। जंगे ओहद दे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़े दंद मुबारक सन वह शहीद होए सी। खालिद बिन वलीद वाज टाइटल, खालिद बिन वलीद जिहड़े सन उन्होंने टाइटल मिलिया सी सैफुल्ला, ये कि जंग च मिलिया सी जंगे मौता दे विच। अबू जाहल वाज किल्ड इन बैटल ऑफ बदर। अबू जाहल जो थे वो जंगे बदर दे विच किल्ड होए सी, कतल होए सी, किन्हां ने किते सी? बाई माज माज उन्होंने। इन हदेबिया सुहेल इन हदेबिया सुहेल बिन अमरू रिप्रजेंटेड बाई क्रैश। क्रैश की तरफ कौन सी जड़े इन्हों रिप्रजेंट कर रहे थे? वो सुहेल बिन अमरू सी। बैटल ऑफ हुनैन फाइट बिटवीन मुस्लिम एंड हवाजिन ट्राइब, हवाजिन कबीले के साथ जड़ी थी ये लड़ाई हुई सी। बैटल ऑफ हसनैन हनैन बैटल ऑफ हनैन बिटवीन फाइट मुस्लिम एंड हवाजिन ट्राइबल। बैटल ऑफ तबूक वाज अगेंस्ट द रोमन एम्पायर हैरकुलेस। बैटल ऑफ तबूक जी बैटल ऑफ तबूक सी ये किन्हां दे खिलाफ लड़ी गई सी? थी रोमन एम्पायर हैरकुलेस के खिलाफ। द फर्स्ट शहीद मार्टर्ड वाज अम्मार बिन यासर। फर्स्ट फीमेल सुमैरा मदर ऑफ अमैर बिन यासर। सुबहान अल्लाह यार क्या बात है, दोनों दे पहले जड़े बेटे शहीद ने, उस तो बाद उन्होंने वालदा यानी कि खवातीन जड़ी है ने वो शहीद हुई ने, माँ उस तो बाद बेटा, पहले जड़े शहीद ने। द फर्स्ट परसन टू बी मैरिड इन द बैटल ऑफ बदर, जड़े बदर दे विच जड़े पहले इंसान जड़े शहीद हुए थे, वाज द फ्रीड सिल्व ऑफ हजरत उमैर महजाज हजरत उमैर महजाज, ये पहली दफा जेडे हजरत बैटल ऑफ बदर दे विच शहीद हुए सन। उस तो बाद खालिद बिन वलीद वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विसेज इन द रीजन ऑफ हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला ने, ही वाज रिमूव्ड इन। यह बड़ी अहम ये पिछे एक पूरा वाकया है कि खालिद बिन हजरत उमर फरूक ने हजरत खालिद बिन वलीद नू जिहड़ा उन्हां दा खलीफा सी, उदों जंग दे खलीफे हुंदे सी, ते इन्हां नू जिहड़ा उन्हां ने ना रिमूव किया सी इन्हां दी, इस वजह से भी लोग कहन लग पे सी भी इन्हां दे जिहड़ी ना इन्हां कोल जिहड़ी तलवार है जिहदे भी जंग दे विच जांदे ने फतह हो जांदी, जबकि हज़रत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला ने हुक्म दा कौल ये सी भी जिहड़ी जंग है वह अल्लाह ताला दी तरफों ही फतह करदे ने। लोगों का गुमान बन गया सी भी ये आप जिहड़े खालिद बिन वलीद ने बहुत बड़ी जंगी महारत सी इन्हां दे कोल, बड़े जबर, लेकिन
उस तो बाद फिर इन्हों बहाल कर दिया गया सी। वाज रिमूव्ड इन 17 हिजरी के जोड़ा है इन्हें रिमूव किया गया सी। ये जरूर पॉइंट याद रखियो, 17 हिजरी भी याद रखना किन्ह ने किया सी। हज़रत उमर फरूक ने किड़े उस टाइम हज़रत उमर फरूक का किड़ा खलीफा किन्नवे नंबर दे ने, ये भी तुसी याद रखना है। किन्नी देर इन्होंने खिलाफत की, एवें दे सवाल भी लाजमी जेहन शीन कराया करो। बैटल ऑफ चेन्स वाज फाइट बिटवीन परशियन एंड द मुस्लिम। बैटल ऑफ चेन जड़ी थी, चेन वो किन्ना दे दरमियान हुई है, मुसलमानों के दरमियान ते परशियन के दरमियान लड़ी गई थी। उमैर बिन अब्दुल अजीज इज़ कंसीडर्ड एज द 5th खलीफा। हज़रत उमैर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जड़े थे ना, इन्हों के बेटे जड़े है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, इन्हों ने सॉरी इन्हों के बेटे ने, बेटे नहीं है, अब उमर बिन अब्दुल अजीज जड़े है ने, इन्हों कहा जाता है कि ये 5th खलीफा ऑफ इस्लाम ने। अब्दुल मालिक वाज द पोइट रूलर ऑफ उमैया खानदान दे सी। ते करबला जड़ा है ये 10 मुहर्रमुल हराम और 61 हिजरी नू पेश आया और 680 ईस्वी च पेश आया। ये दोवें चीज़ा जड़ियाँ है सवाल जो पॉइंट ऑफ व्यू ने याद रखियो, 680 ईस्वी और 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम। सलाहुद्दीन अयूबी जड़े है ने ये 82 खलीफा दे खानदान के हुक्मरान रहे ने, उन्होंने दौर के इन्हों की सल्तनत सी सलाहुद्दीन अयूबी की। हलाकू खान केम टू पावर आफ्टर अब्बासिद, अब्बासिद जी अब्बासी खलीफा है उन्होंने तो बाद जड़ा है हलाकू खान पावर च आए सन। अल कानून वाज राइट, अल कानून एक किताब है किन्ने लिखी, इबने सीना ने लिखी। इबने खादम इबने खालिदून इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ सिकोलॉजी, सिक्योलॉजी जो फाउंडर करने वाले है ने इबने खानदून ने। तहाफात अल फलाशी वाज रिटन बाई, ए बड़ा नाँ लिखा होया जी, तहाफत उल फला तहाफत उल अल तहाफत उल फलासफी वाज रिटन बाई, तहाफत उल फलासफी रिटन बाई अल खजानी ने लिखी थी, अल खजाली ने लिखी है तहाफतुल फलासफी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो तुम्हें पसंद आएगी, मजीद अभी वीडियो बनावे, ये तो मुकम्मल असी वीडियो बना के छोड़ांगे, उस तो बाद असी जड़ी दूसरे पैसे जावांगे। बड़ा अहम टॉपिक हैगा, तो उम्मीद है कि अज की वीडियो तुम्हें पसंद आएगी। मिलने नैक्सट वीडियो, ओके अल्लाह।